बस वही है कि दूसरे टनल के बाद बिग बॉस में देख सकते हैं। वेरी हैप्पी लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी योगदान देने का था कि ना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैन था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हो। मैं हमेशा कोई ये ऐसे मूवमेंट होता है अच्छा होता है बुरा होता है ना, हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते, और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए, तू साथ ना माँ, जब साथ मेरा साया था, इतना मशहूर और इतना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया। ये हीरा आग लगाएगा भाई। मैं जैसे बोलना चाहूँगा गेम ऊपर नीचे होना वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को ही एक्सेप्ट करता हूँ, और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है आपके लिए रेडी नहीं होती होगी, कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट प्यार किया है वो चाहते हैं मुझे, उन्होंने हमेशा मुझे अभिषेक और बनारस से बनते रहेगी आगे जाकर, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और बनारस से मुझे हमेशा रहेगी, दासी भी रहेगी, घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशंस आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा, वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस हैं, और ख़ास करके दोस्ती को लेकर आपको एक बहुत उससे नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है, बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर ही रहते हैं।